वनराज शाह के सामने फिर से हुई बापूजी की बोलती बंद। अगर ये एक लाइन बापूजी अपने मुंह से बोल देते तो ये मां बेटा तभी का तभी वहां से निकल लेते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। ये बापूजी की चुप्पी एक गलत जगह पे होना बड़ा ही डिस्टर्ब करता है। हां, बापूजी ने आवाज उठाई डिम्पी को और पाखी को, चुप रहो कहा, जबकि वहां पे भी ज्यादा बोल सकते थे मगर नहीं बोले। खैर कोई बात नहीं, मगर अपने बेटे के सामने तो बोलते। बेटा आया है वहां पे अपना रोल प्ले करने के लिए जो हमेशा ही करता है, मगर वहां पे बेटे ने एक डायलॉग ऐसा बोला जिसका जवाब बापूजी का ही बनता था, मगर बापूजी ने नहीं दिया। अगर वो एक जवाब देते तो ये मां बेटा जो दोनों वहां पे खड़े थे इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलती। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जितनी बार वनराज शाह ने आशा भवन के लोगों को भीख मंगे कहा है, गरीब कहा है, उतनी बार बापूजी ही मुझे याद आए कि इस आशा भवन में तो उसका पिता भी रहता है। आज भी वो पहुंच गया अनुपमा के इस नए काम में अड़िंगा अड़ाने के लिए कि ये जो तुमने नया बिजनेस खोला है क्या मतलब है इसका, ये तो हमारी शान के खिलाफ है। और अनुपमा को वही जो बातें सुनाई वनराज शाह ने कि तुम तो ये हो, तुम्हारा ये सपना वो सपना सब सुनाया, मगर इसमें एक डायलॉग वनराज शाह का था जो उसने कहा कि ये जो तुम लोग हो ना इसके बाद पैसे जमा करके कटोरे खरीद लेना, वो सीधा था कि भीख मांगने के लिए। अगर वनराज शाह को बापूजी ये कहते थे कि बेटा मेरे लिए तो तू ही कटोरा लेके आ जा, मैं भी तो यहीं पे हूं, कम से कम एक कटोरा तो दे दे भीख मांगने के लिए, बाकी सब तो तुमने रख लिया, बाकी तुम टावर खड़े कर रहे हो, एक कटोरा मुझे दे दे, मैं अनुपमा से नहीं लेता तेरे से लेता, तू दे दे कटोरा मैं भीख मांग के आता हूं, क्योंकि मैं भी तो इसी आशा भवन में रहता हूं। तो इसके आगे क्या वनराज शाह के मुंह से कोई बोल फूटता? क्या वनराज शाह को सबके सामने इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता? क्या बा कुछ बोलती जो हमेशा अपने बेटे के पीछे दुम हिलाती फिरती है? बा क्या वो कुछ बोलती? नहीं बोल पाते दोस्तों, मगर यहां पे बापूजी चुप रह गए, एक भीड़ का हिस्सा बन के ही रह गए जो ऐसे मौके पे नहीं बनना चाहिए। हां, अनुज का कोई डायलॉग नहीं बनता था, मगर बापूजी का एक डायलॉग तो इसके ऊपर काउंटर बनता ही था। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।